गाइस वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए आज हम फिर बात करेंगे उत्तराखंड बैकडोर भर्ती के बारे में, सचिवालय में जो हुई थी विधानसभा में 228 पदों की जो बर्खास्तगी हो गई थी उसको लेकर। अब साथ मिला है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स लॉ एंड जस्टिस। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अब अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं 16 फरवरी ये लेटर लिखा गया है स्वामी के द्वारा, डॉक्टर स्वामी के द्वारा, किनको? सेवा में पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है कि 228 जो कर्मी उत्तराखंड के बाहर निकाले गए थे विधानसभा से, उनकी बहाली को लेकर एक फिर से कैबिनेट की मीटिंग करें सर्वदलीय, उसके बाद यहां पर जो है आगे बढ़े। याद हो आपको आज सुबह की स्टोरीज में भी हमने एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जहां पर डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा था कि अगर विधानसभा में लोगों के पैसे लिए कर भी हुई है भर्तियां, अगर पूरा राज खुल जाए तो आधी की आधी विधानसभा जेल के अंदर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने लिखा है कि प्रोक्त विषय अवगत कराना है कि विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कार्मिकों का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैंने पत्र के साथ दिनांक 14/2/2023 का पत्र भी संलग्न कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सर्वदलीय बैठक या अपने स्तर से जो भी संभव हो इन कर्मचारियों के पक्ष में न्याय संगत कार्रवाई करें, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। एक ही राज्य में एक ही तरह से लगे जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ अलग अलग भेदभाव किया जाना ठीक नहीं है। आपसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप 228 तदर्थ कर्मचारियों की पुनः बहाली के लिए अवश्य कोई ना कोई कदम उठाएंगे। धन्यवाद भावदी। आप देख सकते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो आप देख सकते हैं इन्होंने कॉपी एक जो है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को भी यहां पर आप देख सकते हैं भेजिए। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेशन में बताएगा जरूर। रिसेंट पहले हमने एक ट्वीट किया था, अगर आपने उसको देखा होगा, हमने अपने कम्युनिटीज में भी शेयर किया था, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य और इवन करण महारथ से लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से मुलाकात करने गए थे। उसके बाद अब बीजेपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर स्वामी के द्वारा ये पत्र लिखा जाना किस ओर इशारा करता है? कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक नई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? कॉमेंट में एज सून एज पॉसिबल। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।